ले चलते हैं लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास पर, जहां पर गंगा यात्रा को आज हरी झंडी दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरी झंडी दिखाएंगे। के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह गोलक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, पुलिस महानिदेशक श्री ओ पी सिंह जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, नमामि गंगे परियोजना के लिए योगदान देने वाले विभिन्न विभागों से जुड़े हुए सभी अधिकारी और स्वयंसेवकगण, पत्रकार मित्रों, 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में पंचदिवसीय गंगा यात्रा उत्तर प्रदेश के दोनों छोर से प्रारंभ हो रही है। उत्तर प्रदेश में जहां से गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, पहली यात्रा बिजनौर के पास से कानपुर और दूसरी यात्रा जहां से गंगा मैया बिहार में प्रवेश करती है, जनपद बलिया के कानपुर के लिए दूसरी यात्रा प्रारंभ होगी। दोनों यात्रा तो आपको बता दें कि गंगा यात्रा की शुरुआत की जाएगी 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच। ये यात्रा यहाँ पर चलेगी, लेकिन उससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस रथ यात्रा को बिजनौर और बलिया के लिए यहाँ पर रवाना करेंगे। तो इस रथ यात्रा का उद्देश्य है कि गंगा नदी के किनारे जगह जगह पर आरती की शुरुआत की जाए, वहाँ पूजन हो, और इसके साथ ही जो महत्व गंगा का है उसको आखिरकार लोगों तक पहुँचाया जाए और गंगा को निर्मल किया जाए। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ कहा था जब वे वाराणसी में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आए थे। उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि मैं तो मां गंगा के आदेश से यहां आया हूं, और मां गंगा के प्रति अपने इस अटूट आस्था को व्यक्त करते हुए नमामि गंगे परियोजना को पूरे देश के अंदर लागू किया गया है। देश के जो 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन 5 राज्यों से 2525 किलोमीटर की यात्रा मां गंगा तुरी गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक तय करती है। 2525 किलोमीटर की यात्रा में सर्वाधिक दूरी उत्तर प्रदेश के अंदर 1025 किलोमीटर की दूरी मां गंगा तय करती है। तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की बनती है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा की अविरलता में सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण आज गंगा की निर्मलता देखते हुए बनती है। प्रयागराज कुंभ की सफलता बगैर गंगा मैया की स्वच्छता के संभव नहीं हो सकती थी, और वह करके दिखाया। विगत वर्ष जब प्रयागराज कुंभ में
लगभग 25 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और यमुना के पवित्र संगम में स्नान करके दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन को एक नई ऊंचाइयां दी। 25 करोड़ श्रद्धालुओं ने सबने गंगा की निर्मलता की सराहना की और वर्षों से जो लोगों के मन में एक टीस होती थी कि काश गंगा भी स्वच्छ होती तो हम भी इसमें डुबकी लगा करके स्नान करते, पुण्य के भागीदार बनते, और कई दशकों के बाद पहली बार यह अवसर पिछले वर्ष प्रयागराज कुंभ के अवसर पर उन लाख उन करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, नमामि गंगे परियोजना की सफलता के कारण प्राप्त हुआ। मुझे याद है जब हम लोग विगत वर्ष प्रयागराज कुंभ के आयोजन के कार्यक्रम को तय कर रहे थे तो उस समय मुझे बताया गया कि कुछ विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को भी हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहिए। और कैसे आमंत्रित करना चाहिए तो मुझे 2013 के प्रयाग कुंभ की याद थी जब मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर आए थे, लेकिन कुंभ में जब गंगा की दुर्दशा को उन्होंने देखा तो दूर से ही हाथ जोड़ करके बड़ी तीखी टिप्पणी उन्होंने की थी कि क्या यही गंगा है, स्नान नहीं किए थे, वापस हो गए। और उस घटना के कारण मैं भी स्वयं इस बात को लेकर सोचता था कि हम किसी विदेशी अतिथि को आमंत्रित करें और वहां पर उस प्रकार का माहौल नहीं होगा तो क्या रहेगा। लेकिन जब प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपने भारी भरकम डेलीगेशन के साथ काशी पधारे थे तो मैंने काशी में उन्हें आमंत्रित किया कि आप काशी आए हैं, अच्छा होगा यहाँ से आप प्रयागराज आएं। और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन चल रहा है, कुंभ के आयोजन में माँ गंगा का दर्शन करें, संगम में स्नान करें। तो वे मेरी बात पे हंसे थे लेकिन उन्होंने मेरे आमंत्रण को स्वीकार भी किया। वे प्रयागराज आए और प्रयागराज आने के बाद उन्होंने वहाँ पर गंगा की निर्मलता देखी और न केवल प्रधानमंत्री मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ 400 जो अप्रवासी भारतीय थे या भारतवंशी आए थे मॉरिशस से, उन सभी ने प्रयागराज कुंभ में स्नान भी किया, बल्कि वहाँ से जाने के बाद थैंक्स भी मुझे भेजा। और इस बार मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माँ गंगा की कृपा से वे फिर से मॉरिशस के अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और फिर से मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी बने हैं। यानी ये अपने आप में एक नया चमत्कार हम सबको देखने को मिलता है कि कैसे गंगा जी के इस पूरे अभियान में कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा वर्तमान में माघ मेला प्रयागराज में चल रहा है और जब भी माघ मेला लगता था, मैं पिछले 3 दशक से इस बात को सुनता था, साधु संत श्रद्धालु कल्पवासी हर एक व्यक्ति इस बात पे नाराजगी व्यक्त करता था कि नदी बहुत प्रदूषित है, लेकिन विगत वर्ष से कोई भी इस प्रकार की शिकायत नहीं है। अभी हाल ही में विगत माह प्रधानमंत्री जी कानपुर में आए थे, हमारे लिए कानपुर नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था। और कानपुर के बारे में कहा जाता था कि कानपुर में गंगा की सफलता यानी निर्मल गंगा की सफलता, नमामि गंगे की सफलता गंगा जी की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन कर देगा। कानपुर में अकेले सीसामऊ नाले में 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में गिरता था, 128 वर्षों से सिलसिला चला रहा था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नमामि गंगे परियोजना के कारण समयबद्ध ढंग से
प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया, आज एक बूंद भी सीवर कानपुर में गंगा जी में नहीं बह रहा है। कानपुर में जाजमऊ के बाद गंगा जी में एक भी जलीय जीव नहीं थे, न मछली थी न अन्य जितने भी जलीय जीव होते थे सब मर चुके थे, क्योंकि ट्रेनलीस का जितना भी क्रोमियम युक्त एफ्लुएंट गंगा में गिरता था उसके कारण सभी जलीय जीव नष्ट हो गए थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने उसको नियंत्रित किया और आज उसका परिणाम है कि फिर से बड़ी बड़ी मछलियां और जलीय जीव गंगा जी में फिर से देखने को मिल रहे हैं। ये नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है। गंगा के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने और गंगा हमारी आस्था भी है तो गंगा हमारी अर्थव्यवस्था भी है, इस बात को ध्यान में रखकर के इस गंगा यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार प्रारंभ कर रही है। आज उसके रथों का यहाँ पर उनके गंतव्यों की ओर भेजने की तैयारी के लिए आयोजन यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा। तो कानपुर में गंगा यात्रा का समापन होगा, कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और कानपुर में दोनों यात्राएं आकर मिलेंगी। तो एक यात्रा बिजनौर से शुरू होगी तो दूसरी बलिया से, और दोनों यात्राएं एक साथ शुरू होंगी जो एक साथ खत्म होंगी कानपुर में। तो नमामि गंगे को देश में लागू किया गया, गंगा यात्रा के लिए हरी झंडी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई है, और इन दोनों ही रथों को एक बलिया के लिए और दूसरा बिजनौर के लिए रवाना किया गया है। तो गंगा के सहारे लोगों को जोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और गंगा से जिस तरह से लोगों का एक धार्मिक रिश्ता होता है उस रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश इस यात्रा के तहत है। जहां आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सरयू नदी की आरती शुरू करवाई थी, और इस गंगा यात्रा का मकसद भी कुछ ऐसा ही है, जहां पर जगह जगह पर घाट बनवाए जाए और उन घाटों पर गंगा मैया की आरती की जाए।